सो so फ्रेंड्स आज के में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी सेकंड ईयर फार्मास्यूटिक्स एस टू के एम सी क्यू जिसमें हम एम सी को कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन टू थर्टी विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तो देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला हाइड्रोकार्बन कौन सा है सेमी सोलिड डोसेज फॉर्म में पेट्रोलियम है पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल ओ मिनरल ऑयल या नन ऑफ द अब आंसर है इसका ऑप्शन बी सो देखिए पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल दोनों ही यूज किए जाते हैं एज अ हाइड्रोकार्बन बेस सेमी सोलिड डोसेज फॉर्म में ये बेसिस क्या होते हैं इनके अंदर मेडिकेशन जो है जो कि एक्टिव मेडिकेशन होती है वो एड की जाती है जैसे कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है तो देखिए सेमी सोलिड डोसेज फॉर्म क्या होती है क्या आते हैं इनमें ऑइंटमेंट क्रीम्स एंड ये सारे ही इंड डोसेज फॉर्म्स होते हैं जो कि, जिनको टॉपिकल एप्लीकेशन की जाती है जैसे देखिए या तो स्किन पे अप्लाई किया जाता है या आई और नेजल कैविटीज जो होती है हमारे नोज में वहां पर अप्लाई की जाती हैं या इनको यूज किया जाता है वेजाइनली या रेक्टली भी किसी तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए तो देखिए हाँ सब हाइड्रोकार्बन बेसिस में तो हमने एग्जाम्पल देख लिया पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल का एब्जॉर्प्शन बेसिस जो होते हैं देखिए चार चार तरह के होते हैं सेमी डोसेज फॉर्म में जो बेसिस यूज़ किए जाते हैं आपको सबके ही बारे में पता होना चाहिए तो एब्जॉर्प्शन बेसिस में होते हैं देखिए हाइड्रोफिलिक पेट्रोलेटम एंड लैनोलिन तो इससे भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एब्जॉर्प्शन बेसिस का एग्जाम्पल बताए तो ये भी आपको याद होने चाहिए वाटर रिमूवेबल बेसिस में होते हैं हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट यूएसपी एंड वेनिशिंग क्रीम एंड वाटर सोल्यूबल बेस बेस में होते हैं पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल ऑइंटमेंट तो सारे ही बेसिस आप वीडियो को पॉज करें और सारे, सारे ही बेसिस अपने रिवाइज कर लें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है फोसोलॉजी डील्स विद फोसोलॉजी से किससे डील करती है डोज ऑफ द ड्रग क्वालिटी ऑफ द ड्रग डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग या स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग आंसर है इसका ऑप्शन ए तो फोसोलॉजी एक ब्रांच है फार्मेसी की जो कि डील करती है विद द डोज ऑफ द ड्रग एंड मेडिसिन तो उनकी डोज कितनी होनी चाहिए किस तरह से उनकी डोज कैलकुलेट की जाए सारे ही कंसेप्ट जो है वो वो होते हैं फोसोलॉजी में आ, के अंदर आते हैं देखिये तो पूरा ही चैप्टर हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं इसका लिंक हम आपको यहाँ आई बटन पर आप क्लिक कर क्लिक करेंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा अगर अभी तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है फोसोलॉजी के रिगार्डिंग तो वो वीडियो आप जरूर देख लें आपके एग्जाम से पहले आपको बहुत बेनिफिट होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हैं किस तरह से डोज कैलकुलेट की जाती है किस तरह से कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डोज को और किस तरह से देखिए सारी कैल्कुलेशंस होती हैं तो वो वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर देखें सो so क्वेश्चन है ट्वेंटी तो थ्री की स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन इवेल्यूएट की जाती है इनमें से कौन से मैथड्स से सेडिमेंटेशन वॉल्यूम डिग्री ऑफ फ्लकुलेशन माइक्रोमेरेटिक मेथड या ऑल ऑफ द अभव आंसर इज का ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव देखिए सारे ही ये ये सारे ही वेस्ट जो होते हैं इनसे इवेल्यूएशन की जाती है स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन की सो इसके रिगार्डिंग भी हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं या आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं अच्छे से हमने बताया है सारे ही इवेल्यूशन मैथड सस्पेंशन के तो उसे जरूर आप प्लीज़ देखें क्योंकि अगर आपके थ्योरी के कंस

उनका पार्टिकल साइज़ क्या होगा लिक्विड फेस जो उसमें यूज़ किया जा रहा है उसकी डेंसिटी एंड विस्कोसिटी क्या होगी तो पहले ये ये फॉर्मुलेशन बनाने से पहले ही इन सबको डिस्कस कर लिया जाता है एंड जब फाइनल for फॉर्मुलेशन जो है वो प्रिपेयर हो जाती है सस्पेंशन प्रिपेयर हो जाता है तो फिर फाइनल स्टेबिलिटी टेस्टिंग की जाती है इन सारे ही मेथड से उसकी क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एग्जाम्पल है इनमें से किस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी का इमीडिएट डिलेड इंस्टेंटेनियस या नन ऑफ द अबव आंसर है इसका ऑप्शन बी तो क्रिस्टलाइजेशन एग्जाम्पल है डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी का क्या होता है देखिए क्रिस्टलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट आपने अपने लैब में भी परफॉर्म किया होगा जहाँ पर देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो इम्प्योर सॉलिड होता है जो कि बाद में जाके क्रिस्टल बनता है उसको पहले डिजॉल्व किया जाता है एक सॉलवेंट में और उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में इस तरह देखिए सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है सोल्यूड प्लस सॉलवेंट को मिला के फिर ये जो सॉल्यूशन है पूरा ही इसको हीट किया जाता है जिससे कि मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट जिसमें उस सॉल्यूट cool को डिजोल्व किया है इन सॉलिड को तो वो सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाए फिर ये जो हॉट सॉल्यूशन है जिसको देखिए हीट किया है उसको थोड़े समय के लिए छोड़ा जाता है जिससे कि थोड़े समय तक उसको कूल करने के लिए छोड़ा जाता है कूल थोड़े समय के बाद क्या होता है कि सॉलिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में देखिए सॉलिड जो है वो अपेयर होने लगते हैं इस तरह के सॉल्यूशन में और कुछ केसेस में क्या किया था या तो इसको इसी तरह से रख दिया जाता है या क्या कि किया जाता है कि ये पूरा ही सॉल्यूशन जो है इसको पोर कर दिया जाता है देखिए इस तरह के एक तरह एक की शीट पे इसको पोर कर दिया जाता है जैसे कि क्रिस्टल जो है वो और अच्छे से डेवलप हो पाए फिर इन क्रिस्टल को क्या किया जाता दे? है फिल्टर पेपर की मदद से ड्राई किया जाता है और फिर इनको इनका टेस्टिंग किया जाता है इनको यूज किया जाता है तो डिलेड इनकम्पेटिबिलिटी देखिए क्या होता है एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जो कि बहुत ही स्लो रेट पे होती है इस तरह की इनकम्पेटिबिलिटी स्टार्टिंग में किसी तरह के देखिए विजिबल चेंजेस नहीं दिखते है, किसी तरह का अगर, अगर कोई पर्सन देखना चाहे तो देखिए स्टार्टिंग में कोई क्रिस्टल नहीं बनते हैं बट समय के साथ साथ जब सोल्यूशन कूल होने लगता है तो उसके बाद क्या होता है कि क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं किसी तरह का फिजिकल चेंजेस दिखने लगते हैं तो उस तरह के इनकम्पैटिबिलिटी को बोलते हैं डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में आपसे पूछा है कि कितने टाइप्स की इनकम्पैटिबिलटीज होती हैं थ्री टाइप की टू टाइप्स फोर टाइप्स या फाइव टाइप्स की आंसर है इसका ऑप्शन ए तो देखिए थ्री टाइप्स की इनकम्पैटिबिलिटी होती है फिजिकल केमिकल एंड थेराप्यूटिकल इसका इनकम्पैटिबिलिटी का भी पूरा ही चैप्टर हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं तो यहाँ पर आई बटन में हम उसका भी लिंक दे देंगे आपको वो भी आप देख लीजिए अच्छे से अगर अभी तक आपने नहीं देखा है इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है देखिए किसी तरह का चेंज आ जाता है किसी जो भी फॉर्मुलेशन होती है उसमें जिससे कि एक तरह का अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन जाता है अनडिजायरेबल प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो हमें नहीं चाहिए इस तरह का प्रोडक्ट बन जाता है और ये प्रोडक्ट जो है इसक, इसके बनने के कारण क्या होती है कि सेफ्टी एफिकेसी अपेयरेंस एंड स्टेबिलिटी जो है वो अफेक्ट होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की तो इस तरह की चीज़ को हम इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं इस तरह के टर्म को और देखिए तीन तरह की होती है फिजिकल केमिकल एंड थेरापटिक इनकम्पैटिबिलिटी तो ब्रीफली अगर आपको बताएं तो देखिए यहाँ पर फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में एग्जाम्पल होते हैं इनसॉलिबिलिटी लिक्विफिकेशन प्रिसिपिटेशन इमिसिबिलिटी फिर केमिकल में एग्जाम्पल होते हैं कलर चेंज डिकम्पोजिशन दो टाइप्स की होती हैं ये भी टॉलरेटेड एंड एडजस्टेड तो हमारी लेक्चर वीडियो आप जरूर देखें उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सभी चीजों को थेरापूटिक में होती है कि कुछ, कुछ, कुछ ऐसी ड्रग्स होते हैं थेराप्यूटिक में आप ड्रग इंटरेक्शन भी कह सकते हैं कि दो ऐसी ड्रग आपस में प्रिस्क्राइब कर दी है जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर रहे हैं जैसे एग्जाम्पल सकते हैं टेट्रासाइक्लिन एंड कैल्शियम का जो कि जब टेट्रासाइक्लिन जो कि एंटीबायोटिक है जब उसको कैल्शियम के साथ अगर गलती से प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है तो क्या होता है कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन के इफेक्ट को कम कर देती है उसकी इफेक्टिविटी को कम कर देती है तो इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी को थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है देखिए इनकम्पैटिबिलिटी होती है इसमें से किस वजह से होती है किसकी मिक्सिंग की, की वजह से होती है कंपैटिबल सब्सटेंस की मिक्सिंग की वजह से होमोजेनस सब्सटेंस 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 या एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस आंसर है इसका ऑप्शन डी तो इनकम्पैटिबिलिटी होती है दो एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस की मिक्सिंग से आपस में अगर इनको मिक्स अगर ये मिक्स कर दिए जाते हैं तो इस तरह तो इनकम्पैटिबिलिटी जैसे टर्म से टर्म होती है क्या होता है देखिए तीन तरह की हमने इनकम्पैटिबिलिटी देखी थी फिजिकल इनकम्पैट में देखिए इस तरह के फिजिकल चेंजेस दिखने लगते हैं प्रोडक्ट में जो कि फाइनल प्रोडक्ट बनता है केमिकल में में देखिए जब दो केमिकल्स को, केमिकल्स को को आपस में मिक्स किया जाता है जो कंपैटिबल नहीं है तो कुछ तरह के चेंजेस दिखने लगते हैं जैसे प्रिस्पिटेशन होने लगती है कलर चेंजेस होने लगते हैं थेरापूटिक इनकमपैटिबिलिटी में हमने देखा था कि क्या होता है कि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करने लगती है जो भी मेडिसिन होती है देखिए यहाँ पर इनकम्पैटिबल ड्रग का कॉम्बिनेशन दे दिया है पर्सन को जिससे क्या होती है कि इफेक्टिवनेस जो होती है जो एक्टिव

स अगर आपस में मिलाए जाते हैं तो इनकम्पेटिबिलिटी होती है तीनों ही तरह की चाहे वो फिजिकल हो केमिकल हो या थेरापूटिकल हो एब्रीवेशन मिस्ट इज़ यूज फॉर किसके लिए यूज़ किया जाती है मिस्ट मिक्सचर्स के लिए पाउडर्स के, के लिए ऑइंटमेंट या इमर्शन आंसर है इसका ऑप्शन ए तो एब्रीवेशन मिस्ट को मिक्सचर्स को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन uh, में इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है ताकि डॉक्टर इस फॉर्म में लिखते हैं ताकि जो फार्मासिस्ट हैं वो आसानी से समझ पाएँ कि मिक्सचर जो है वो देना है पर्सन को मिक्सचर क्या होता है फार्मेसी में देखिए ये एक्वस लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं जिसमें सस्पेंडेड इनसोलिबल सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं डिस्पोज फेस में आप कह सकते हैं इस तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं सॉलिड सब्सटेंस इंटरनल यूज के लिए इनको यूज किया जाता है फिर क्या होता है देखिए आपको सभी के सभी के एवरिवेशन पता होने चाहिए पाउडर को क्या कहा जाता है देखिए पेल्विस कहा जाता है लेटिन टर्म में पी यू एल वी पल्व से इसको एब्रिवेट किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है पाउडर को देन ऑइंटमेंट को देखिए लैटिन टर्म में अनगेंटम से डिनोट किया जाता है एब्रिवेट किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन में इसको लिखा जाता है यू एन जी की फॉर्म में एन immersion को लेटिन टर्म में इमल कहा जाता है एन इमल से इसको डिनोट किया जाता है एब्रिवेट किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन uh, में इसमें से कौन से कंसंट्रेशन में फिनोल यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव की तरह तो देखिए अलग अलग कंसंट्रेशन दी गई है आपको 0.05 टू जीरो 0.15 टू 0.35 0.5 टू 0.10 एंड नन ऑफ द अबव आंसर इज इसका ऑप्शन बी तो देखिए 0.15 टू 0.35 कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाता है फिनोल फिनोल में भी क्या देखिए एम क्रिसोल जो कि एक तरह का डेरिवेटिव है फिनोल से ही डिराइव किया जाता है तो इसको यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव बहुत सारी एंटीवेनम में एंटीवेनम प्रिपरेशन क्या होते हैं देखिए जो कि पॉइंज के अगेंस्ट यूज़ किया जो आ, जो कि पॉइजन किस तरह से फैलता है जो कि एनिमल के थ्रू फैलता है स्नैक बाइट के थ्रू स्पाइडर बाइट्स या स्कॉर्पियन बाइट्स के थ्रू जो जहर फैल जाता है किसी भी पर्सन की बॉडी में तो उसको इस उसके इफेक्ट को एंटागोनिस्ट करने के लिए उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए एंटीवेनम एंटीवेनमिपरेशन बनाई जाती हैं जिनमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है देखिए मेटाक्रिसोल को तो देखिए ये मेटा पर अगर ये सी अगर इस पोजिशन प्रेजेंट है तो इसको मेटा कहते हैं इसको ऑर्थो कहते हैं इसको पैरा पैरापोजिशन कहते हैं तो ये मेटा क्रिसोल जो है इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव की तरह इन तरह के एंटीवेनम प्रिपरेशंस में ऑल्टरनेस होरिस का इसमें से क्या मतलब होता है एवरी फोर आर मेडिकेशन देनी है एवरी फोर्थ आर देनी है मेडिकेशन एवरी सिक्स आर देनी है एवरी आर हर घंटे देनी है या एवरी टू आवर्स देनी है तो आंसर है इसका ऑप्शन डी सो देखिए ऑल्टरनेस होरिस का मतलब होता है एवरी टू आवर्स मेडिकेशन जो है वो लेनी है पर्सन को तो इस तरह की अप्लीवेशन लिखी जाती है प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर के द्वारा और फार्मासिस्ट को इस तरह इसको एक्सप्लेन करना होता है पर्सन को किस तरह से उसको मेडिकेशन लेनी है एवरी फोर्थ आर को देखिए क्या कहते हैं ओमनी क्वार्टा होरा कहते हैं देखिए ओ क्यू एच से इसको डिनोट किया, अब्रे, किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन में एब्रोवेट किया जाता है एवरी सिक्स आर को क्या कहते हैं देखिए सेक्सट हॉरिस कहते हैं एवरी सिक्स आर को सेक्सट हॉर के हॉर से इसको डिनोट किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन में एंड देन एवरी आर को देखिए ओमनी होरा या क्वेक्यू होरा दोनों ही तरह से इसको बोला जाता है लेटिन में ओ एच या क्यू क्यू एच से इसको डिनोट किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन में एवरी आर होता है देखिए इसका मतलब तो क्वेश्चन नंबर थर्टी में आपसे पूछा देखिए इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं है जो कि ज़रूरी नहीं होता हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में रिवीजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कलेक्टिंग मटेरियल्स एंड कंपाउंडिंग आंसर है इसका ऑप्शन ए तो देखिए रिविजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का मैंडेटरी मैडेटरी पार्ट नहीं होता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन होती है जिसके अलग अलग पार्ट्स हम आपको बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुके हैं ये सुपरस्क्रिप्शन होती है आर फिर ये देखिए इंस्क्रिप्शन होती है जहां पर और दे देखिए सबसे पहले जब कोई भी पेशेंट जो है वो अपने प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है फार्मासिस्ट तो तो उसको रीड करता है सेकेंड काम होता है उसका कि वो कलेक्ट करता है मटीरियल को जो भी मेडिसिन हैं उसमें प्रिस्क्राइब की गई है प्रिस्क्रिप्शन में उनको कलेक्ट करता है और फिर देखिए कंपाउंडिंग में क्या होता है कि कुछ क्योंकि देखिए बहुत सारी मेडिकेशन है, वो तो कंपनीज बनाती हैं बट कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको स्पेशल मेडिकेशन की जरूरत होती है जिन मतलब कि, किसी तरह की मेडिसिन कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है उनको तो डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं फार्मासिस्ट को पर्सन को कि इस तरह की मेडिकेशन को लेनी है तो वो पर्सन जो है जब वो फार्मासिस्ट के पास आते हैं तो फार्मासिस्ट उसको कंपाउंड करते हैं उसको बनाते हैं मेडिकेशन को स्पेशली पेशेंट की स्पेशल पेशेंट की कुछ स्पेसिफिक नीड्स के लिए और फिर फिर पेशेंट को देते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम कंपाउंडिंग तो ये तीनों ही जो है वो एसेंशियल पार्ट हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स टू के एम सी क्यू फ्राम क्वेश्चन नंबर थर्टी वन टू फिफ्टी विद कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका को कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए